बस देखिए, अगर कल कुछ बताया गया था, अगर आपने कल वाली क्लास की है तो नहीं की तो भैया कुछ नहीं हो सकता। कल आपको ये बताया गया है कि अगर फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है तो भैया इसको तो याद कर लो कि इंटरवल का इमेज इंटरवल ही बनेगा, कुछ और बन ही नहीं सकता। आज इसमें जोड़ देते हैं सिंगलटन, बिकॉज सिंगलटन डिजेनरेट इंटरवल होते हैं। हाँ जी, और क्या बताया था? एफ ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, क्लोज्ड ए बी का आंसर क्या आएगा? वो भी हमेशा क्लोज्ड ही आएगा, सिंगलटन में चल जाएगा कॉन्स्टेंट फंक्शन। तो जरा ये आइए, हाँ जी, दिस इज एफ ऑफ, ये बताया ना कल, ये था इंटरवल का आंसर, इंटरवल आएगा समझ लो। तो एफ ऑफ आर एस क्यू आर है भैया? एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, ये इंटरवल है नहीं है, तो इसका आंसर इंटरवल ही आना चाहिए क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस बोल दिया। अब आप मेरे को ये बताइए, ये इंटरवल दिख रहा है तुम्हें? रैशनल नंबर्स को इंटरवल में लिख सकते हैं क्या? बकवास है, हटाओ उसको। सेम ही है, सेम प्रॉब्लम है क्या? इंटीजर्स को इंटरवल में कहाँ से लिखेंगे? इसमें कांस्टेंट फंक्शन ले लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स, बस हो गया। तो लास्ट वाला करेक्ट है, जो क्लास करनी इसलिए जरूरी है। सो एफ ऑफ इंटरवल इज इंटरवल, अब उसमें ऐड कर लो सिंगलटन भी चलेगा क्योंकि सिंगलटन का मतलब डीजेनरेट इंटरवल। सिंगलटन का मतलब, जस्ट वेट, इसको आप लिख सकते हैं टू टू, सिंगलटन फाइव को आप लिख सकते हैं फाइव फाइव, दिस इज कॉल्ड डीजेनरेट इंटरवल, जो स्टैट्स के बच्चे हैं, डीजेनरेट डिस्ट्रीब्यूशन, जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म हो गया। हाँ जी बताइए। नहीं, ये इंटरवल थोड़े ना है, डोमेन थोड़े ना इंटरवल है, तो वन भी तो आ जाएगा। एफ एक्स इक्वल टू वन ले लो कॉन्स्टेंट फंक्शन, क्या इशू? अब पॉसिबल है ना, एवरी कॉन्स्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। उन्होंने यहाँ पे रेंज थोड़ी ना पूछी है फिर।